गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभू सर, योर मैथ टीचर. वेलकम बैक टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.2 होस्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन. मल्टीप्लाई टूगेदर एंड फाइंड द टोटल. एंड फाइंड द टोटल. फर्स्ट क्वेश्चन, -3y (-y)² (6y³). चलिए सर, प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है. और देखिए सर, -3y (-y)² (6y³). सर वी नो दैट -(-+)(3, 6, 18) बेस सेम है सर. y रेस टू द पावर 3+2 (5), 5+1 क्या होगा सर? ये 6. ये क्या होगा आपका आंसर होगा सर? सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए जाएगा. ये होमवर्क है आपका. एट सी की बात करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सी -4x²(y²)(z²)(3/2)(x²)(1/3)(y)(z²). टैली कर लें एक बार क्वेश्चन को. -4x²(z²)(3/2xy²)(1/3)(y²). सर इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा सर? -4x²(y²)(z²)(3/2xy²)(1/3)(y²). थोड़ा सा इसको इजी कर ले. -4 फर्स्ट न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इनको सेपरेट कर दें. (x²)(x), देन (y²)(y), देन (z²)(z²). क्लियर? अब इसके बाद अगर जाते हैं तो सर क्या होगा? सर वी नो दैट हियर 3 × 3 ये तो कैंसिल हो गया. 2 × 2 (2, 2 × 4) -2 × (x²)(2+1) मीन्स (x²)(3) (y²)। देखिए सर (y²)(2)(4, 4×5) (z²)(2×2) मीन्स 4. आफ्टर देन -2 (x³)(y²)(z²)(4). इट्स योर आंसर. ये आपका आंसर होगा. क्लियर? ठीक है चलिए. अब आफ्टर देन देखिए, सिमिलर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. पूरा कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, मल्टीप्लाई करना है मींस प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसे वेरीफाई करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वो रिलेट जो है नेक्स्ट है आपका अर्थ क्वेश्चन. अर्थ क्वेश्चन को देखें. अर्थ क्वेश्चन उस फर्स्ट एक्चुअल में अर्थ क्वेश्चन जो है टोटली जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंप्लीफाई से रिलेटेड है. आपको सिंप्लीफाई करना है, पहले सॉल्व करना है, जो ऐड हो रहा है ऐड करना है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? चलिए सिंप्लीफाई.
whose first is AB have 5x5 under bracket 3x square minus 2x plus 1 minus 2x square xy minus 5xy. Clear? अब देखिए कि आपको इसे सिंपलीफाई करना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन को हम डिस्कस करें कि सिंपलीफाई का मींस होगा कि वहाँ पहले क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर लें, उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें और देखें कि वहाँ पर प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। फॉर सिंपल अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि लाइक दैट कोई क्वेश्चन है 2xy और ये है x माइनस y और प्लस 3xy। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये क्या हो जाएगा, 2x2y माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 3x2y। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा वो लाइक टर्म्स का होगा। देखिए x2y स्क्वायर 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5x2y माइनस 2xy स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका सिंपलीफाई हो जाएगा। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एड्स है इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।